जो मित्र प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन जो है मेरी, तो वो उसमें ध्यान कर रहते हैं, और तीन चार मित्रों ने प्रश्न पूछा है कि जब वो ध्यान करते हैं तब नींद आ जाती है, तो उस वक्त क्या करें। तो मित्रों, ये नींद कैसे आती है, नींद आने का फॉर्मूला क्या है, इसको आप पहले समझें। जब हम कुछ भी दिमाग में सोचते रहते हैं तब तक नींद नहीं आती। आप बिस्तर में लेट जाओ और नींद के बारे में भी सोचो तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि जागृत अवस्था होने के लिए जो है माइंड जो है वो प्रत्यक्ष भौतिक जगत के बारे में कुछ चिंतन करना होगा उसको, है ना। इसलिए जब तक हम दिमाग में सोचते रहते हैं तब तक नींद नहीं लगती। कुछ भी विचार आया तो वो विचार डिस्टर्ब करते रहेगा और नींद नहीं आएगी। यहाँ तक कि नींद के बारे में भी आप विचार करो तो भी नींद नहीं आएगी। तो नींद कब आती है, जब आपका मन विचारों में नहीं उलझा होगा। जब विचार जो कॉन्शस माइंड के विचार है जो जब बंद हो जाएंगे तब अनकॉन्शस का द्वार प्रवेश होगा, तो तब आपको नींद लगेगी, है ना। हमारे जो माइंड है उसके दो तल होते हैं, एक होता है कॉन्शस माइंड, एक होता है अनकॉन्शस माइंड। जो जागने में जो माइंड काम करता है उसको बोलते हैं कॉन्शस माइंड। तो वो माइंड ये है कि वो डायरेक्ट भौतिक दुनिया का अनुभव करता है, जैसे आँख के देख के पता चलता है उसको, कान के सुन के वो विषय के बारे में उसे पता चलता है, स्पर्श करके उसको पता होता है, दिमाग में कोई विचार चला तो वो विचारों को भी उसको पता चलता है और वो विचार करता है। ये प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा जो माइंड का लेवल जो है एक्टिव रहता है उस अवस्था का नाम बोलते हैं जागृत अवस्था। और स्वप्न अवस्था किसको बोलते हैं, जहाँ प्रत्यक्ष जो भौतिक जगत है इनमें जो इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव होना बंद हो जाए, इंद्रिय के द्वार दरवाजे बंद हो जाए, और जो है आपका अनकॉन्शस का माइंड का जो है धोखा खुल जाए, तो आप क्या होगा कि आपका जो चेतन मन है वो सुप्त हो जाएगा और आप अनकॉन्शस माइंड के कुएं में पड़ जाएंगे, तो आप फिर स्वप्न दिखने लगेंगे। तो नींद आने के शर्त क्या है कि ये जो कॉन्शस माइंड है ये बंद होना पड़ेगा। ये प्रत्यक्ष जो अभी चल रहा है इसके बारे में वो सोचना उसको बंद करना होगा, तो तभी नींद लगेगी, नहीं तो नींद नहीं लगेगी। तो ध्यान में भी यही होता है। ध्यान में हम ये क्या करते हैं कि आपका जो कॉन्शस माइंड है उसको हम उसके आगे कोई सब्जेक्ट नहीं देते हैं, है ना। आपने किया होगा, मेरी जो वीडियोज है उसमें मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ आपको, आपको मैं ऐसा करता हूँ कि आपका जो कॉन्शस माइंड है उसके आगे सब्जेक्ट हटा देता हूँ, है ना। कुछ भी सब्जेक्ट आपके आगे बचता नहीं है। कॉन्शस माइंड होने के लिए तो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो चाहिए, चाहे वो कान से सुने, चाहे आँख से देखे, चाहे थॉट के बारे में सोचे, है ना। मगर हम गाइडेड मेडिटेशन में ये करते हैं कि उसके आगे सभी सब्जेक्ट जो है हटा देते हैं, उसको आगे कुछ नहीं देते हैं, और हम आपको सुनने की तरफ लेते हैं, क्योंकि सुनने की तरफ जाने के लिए तो माइंड के घेरे से तो बाहर आने होगा। तो इसीलिए क्या होता है ध्यान में भी कि जो कॉन्शस माइंड है वो ख़त्म होता है ना, उसके आगे विषय नहीं बचता है, विषय नहीं बचेगा तो वो भी नहीं बचेगा, है ना। कॉन्शस माइंड अकेला ही नहीं होता है, उसको होने के लिए कोई विषय होना पड़ेगा, चाहे साउंड दे दो उसको सुनने के लिए, चाहे कोई दृश्य दे दो उसको देखने के लिए, चाहे कोई थॉट दे दो उसके सोचने के लिए, तभी वो बचेगा। मगर हम इसमें कुछ नहीं उसको देंगे, उसको हम अकेला छोड़ देते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये कॉन्शस माइंड की हैबिट ये है कि जब ऐसा होता है तब वो नींद में जाता है ना। तो ये नींद की तैयारी हो गई है।
ध्यान की तैयारी जो है नींद की तैयारी हो गई, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को पता तो नहीं है, ध्यान भी होता है इस बात को उसको पता तो नहीं है, उसको एक ही बात पता है कि आगे विषय हो तो उसका चिंतन करो, आगे विषय नहीं हो तो फिर सो जाओ, है ना। तो जब ध्यान में विषय हम नहीं देंगे तो क्या क्या बोलेगा आपको कि अब सो जाओ, ये सोने का एक हैबिट है हमारा, तो इसीलिए जो है ध्यान में नींद लगती है। आप इन्हें सभी को नींद लगती है। जब विवेकानंद जो है पश्चिम में गए थे, यूरोप में, अमेरिका में, हिंदू दर्शन का जो प्रचार, वेदांत का जो प्रचार प्रसार करने गए थे, और उन्होंने ध्यान के बारे में कुछ उधर बताया था और कुछ प्रैक्टिस भी किया था, जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि विवेकानंद का जो गाइडेड मेडिटेशन है वो करके उनको नींद आने लगी थी। तो वो बोलते थे कि ये तो नेचुरल ट्रिंकुलाइजर हो गया, औषधि नहीं लेना पड़े, क्योंकि पश्चिम में जो है आदमी को नींद नहीं लगती है, नींद ना आने की बीमारी बड़ी बीमारी होती जा रही है पश्चिम में, धीरे धीरे हमारे पूर्व में भी ये होती चली जाइए, क्योंकि बहुत सुख सुविधा, भौतिक चीज़ें और जो है एम्बिशस बढ़ता चला जा रहा है और व्यक्ति जो है लगातार तनाव में है, तो ना सोच के वो नहीं रह सकता। तो इसलिए धीरे धीरे व्यक्ति को जो है नींद उसको ख़त्म होती जाएगी और एक पागलपन का दौरा उसको पकड़ेगा। तो नींद ना आने की समस्या बहुत है पश्चिम में, तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रिंकुलाइजर ऐसे दबा लेते हैं और सो जाते हैं नींद आने की दवा। मगर ये ध्यान ऐसा है कि दवा नहीं लेना पड़ता, आपको ये गाइडेड कर दो और जो है आपको नींद लग जाएगी। तो पश्चिम के लोग अभी धीरे धीरे जो ध्यान की तरफ उत्सुक हो रहे हैं ना, तो वो ध्यान पाने के से ज़्यादा नींद के लिए ये जो है ध्यान की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नींद अच्छी लगती है, नींद लगती है, नींद लगने में ये जो है औषधि का सेवन करना नहीं पड़ता। मगर ध्यान का जो हम प्रयोग करते हैं उसका उद्देश्य नींद लाना नहीं है, तो इसीलिए ध्यान करते वक्त नींद आना ये बात सही तो है नहीं, है ना। तो मगर फिर भी बहुत गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको ध्यान करते करते नींद लग गई तो आपकी नींद जो है अच्छी होगी, है ना, क्योंकि जब हम सोते हैं सोते वक्त हमारा दिमाग में जैसी मनस्थिति होती है, तो जब हम सोते वक्त सपना देखते हैं उसका उसमें प्रभाव पड़ता है, और सुबह हम जब जागते हैं तो उसी स्थिति में हम जागते हैं। तो ध्यान में आप नींद में गए तो नींद भी अच्छा होगा और सुबह उठने वक्त भी आप तरोताज़ा आपको होगा, तो इसलिए लाभ तो है इसका, है ना। नींद आई तो भी आपको घाटा तो नहीं होगा, लाभ ही होगा। मगर फिर भी ध्यान का जो उद्देश्य है वो स्वयं को जानने का है, तो इसीलिए नींद नहीं आने का हम क्या कर सकते हैं। मुझे भी बहुत नींद आती थी जब मैं ध्यान करता था, मेरे पास तो कुछ काम नहीं था तो मैं लगातार सोते रहता था दिन भर रात भर, है ना, कुछ काम ही नहीं था, कुछ काम नहीं करता था, तो जागीर भी ऐसी थी कि कॉलेज में जाओ एक पीरियड ले लो, सरकारी जागीर होती है, तो काम नहीं होता था, दिन भर रात भर सोए रहता था। मगर आपके पास तो काम होगा भाई, काम करना है, तो करना ये है कि जब ध्यान करते वक्त नींद घेरने लगेगी तब आपको ये सोचना है कि मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो सोने जा रहा है, तो उसको सोने देंगे। मगर हम जो है, जो मैं बताता हूँ ना, उसमें जो निराकार का अनुभव, शून्य का अनुभव, है ना, शून्य का जो निराकार का अखंड का अनुभव जो मैं बोलता हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है, मन को छोड़ देना है, मन चाहे सोए चाहे ना सोए, है ना, मगर आपको जो है ध्यान उस तरफ देना है, निराकार की चेतना के ऊपर। तो ऐसे अपने को जगाना है, अवेयरनेस में रहना है आपको, है ना, बॉडी को छोड़ देना है, माइंड को भी छोड़ देना है। तो जब नींद पकड़ेगी तब ये बात ज्यादा करनी है आपको, तो जब ये अवेयरनेस के साथ, चलाकी के साथ, जब जिस क्षण नींद आएगी उस क्षण आप भी करोगे तो और आपका एक जंपिंग हो जाएगा उसमें, है ना, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड जो है अब बचा नहीं है, तो इस टाइम में जो है आपका जंपिंग करना बहुत सुगम हो जाएगा, क्योंकि जब तक कॉन्शियस माइंड है वो तो डिस्टर्ब करता ही रहेगा। तो इसलिए ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आपने इसको चलाकी पूर्वक लिया तो।
पहली बात तो यो। दूसरी बात ये कि ध्यान नींद लगती है तो आप लेट के मत करें, आप बैठ के करें। शवासन में नहीं लेटे, आप जो है पद्मासन में बैठें और उसमें आपका शरीर में दिक्कत होती है तो आप कुर्सी में बैठ के भी सुन के आँख बंद करके कर सकते हैं, तो बैठने में जो है नींद कम आएगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगी तो आप ये भी कर सकते हैं, नहा के आए थोड़ा, है ना, नहा के आना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नहाएंगे तो शरीर में भी वो एक तरोताज़ा का अनुभव होगा और शरीर भी आपको थोड़ा मदद करेगा आप ध्यान में जाने के लिए, अच्छा होगा। तो नहा के करना है और बैठ के करना है, और नींद आने वक्त अनकॉन्शस में नहीं जाना है, अवेयरनेस में जाना है, ये बात ध्यान में रखनी है और ध्यान रख के करनी है, है ना। और फिर भी नींद आ गया तो भी घाटा नहीं होगा, है ना, अच्छा ही होगा। नींद ध्यान में नींद आपकी होगी तो सुबह जब उठते हैं तो उठने के बाद बैठें और उस ध्यान को करना है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी और वीडियो में करेंगे। और जो मित्र नए हैं और जो मेडिटेशन का मेरी प्राइवेट वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप, उस पर आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।